हेलो पापा, आप कब आ रहे हो? तू जब केक काट रहा होगा तब तेरे लिए अच्छा सा सरप्राइज लेके आऊंगा। ठीक है पापा, अब जल्दी आना। Why is my life like this? Do I deserve no happiness? Who am I? आज मेरी नाइट ड्यूटी है तो मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। मैंने आपका पसंदीदा खाना बनाया है तो उसे गर्म करके खा लेना, और आपके पैरों की सूजन थोड़ी ज़्यादा बढ़ रही है तो प्लीज़ रेस्ट कर लेना। हेलो डॉक्टर, देयर इज अ सीरियस मेडिकल इमरजेंसी रिगार्डिंग एन एक्सीडेंट। वी नीड यू एट द हॉस्पिटल राइट नाउ। ओके, आई विल बी राइट देयर। पुणे से खबर मिली है कि एक डॉक्टर के कारण एक पेशेंट की मौत हो गई। पेशेंट के घर वालों ने उस डॉक्टर को बहुत मारा। क्या इन दंगों का कारण हमारे भारत के डॉक्टर्स हैं या आम जनता? क्या सच में वो डॉक्टर उस पेशेंट को बचा सकता था? क्या डॉक्टर्स ढोंगी है या अपनी सच्ची निष्ठा से काम करने वाले कर्मचारी? आज तो उससे एक पेशेंट मर गया, लेकिन देवेश तो कुछ कर भी तो नहीं सकता था। वो पेशेंट को मरना ही था। तूने सब कुछ तो करके देख ही लिया था, बचाता भी तो कैसे?
I am a doctor. A parent, a child, a sibling, and an angel. A doctor is all of them. Yet, he is beaten, abused, underpaid, and overworked. And still, a doctor is ready to trade his life for yours. The person who strives to make your life healthy and happy deserves his own share of happiness, doesn't he? सूत्रों के अनुसार हाल ही में पता चला है कि पुणे में एक डॉक्टर अपने मरीज की हत्या का कारण बना। अब नई खबर ये सामने आ रही है कि आक्रोश में आकर मरीज के जिस भाई ने डॉक्टर को बेरहमी से पीटा उसकी भी मौत का कारण बना वही कातिल डॉक्टर। सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में लगातार दो लोगों की मौत का कारण एक ही डॉक्टर बताया जा रहा है, डॉक्टर भट्ट। और आपको ये भी बता दें कि ये खबर सबसे पहले हमारा चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लाया है। डॉक्टर देवेश भट्ट का पेशेंट अब कुछ दिनों से कोमा में है। न्यूज पर सब जगह गलत अफवाह है कि वो मर गया। CGS का स्कोर तो 3 है, बचने की थोड़ी सी उम्मीद है। डॉक्टर भट्ट को वो दवाई नहीं देनी चाहिए थी, कितना मना करा था हमने उसे। बस अब तो वो कोर्ट के चक्कर काट रहा है। डॉक्टर देवेश भट्ट को IPC धारा 304A के अंडर मेडिकल नेग्लिजेंस के आरोप में दोषी पाया जाता है और 1 महीने की जेल की सजा सुनाई जाती है। क्यों क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? मुझे याद आता है जब मैंने सबसे पहले एक डॉक्टर बनने का सपना देखा था। क्या यही वो सपना है? क्या इसी के लिए जिंदगी के 20 साल कुर्बान किए मैंने? सूरज उगने से पहले घर से निकल जाता था और रात को बच्चों के सोने के बाद वापस आके ठंडा खाना खाता था। लेकिन एक बार नहीं ड्यूटी से छुट्टी ली मैंने। हाँ, मैं इस पेशेंट को नहीं बचा पाया, माना मैंने गलती करी है, लेकिन उन हजारों जानों का क्या जिन्हें मैंने बचाया है? उनके लिए तो कोई मुझ पर फूल नहीं बरसाता, टीवी पर तारीफ नहीं करता। एक गलती और सब मेरे खून के प्यासे से हो गए हैं। सब कुछ तो छीन लिया तुमने मेरा, अब क्या बचा है छीनने को? मैं बस आपको थैंक यू बोलना है।